मोना के किचन में वेलकम। आज मैं बनाने लगी हूँ सेव। ये फलूदा की जो सेवइयां होती हैं, उनको सेव कहा जाता है। ये देखें ये कितनी मजे की और इतनी देखें लंबी लंबी सी बनी है। ये कैसे बनी है चलिए रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। ये एक बाउल ले लिया, बहुत ही आसान है फलूदे के लिए सेवइयां बनाना, बहुत ही ईजी। आपने 1.5 कप पानी ले लेना है, एक बाउल में शामिल कर लेना है। 1.5 कप पानी लेंगे और 1 चम्मच चीनी लेनी है। इसको अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स कर लेना है, पानी के अंदर ही मिक्स करेंगे। साथ ही 1/2 कप हम कॉर्नफ्लोर लेंगे, कॉर्न स्टार्च या फिर आप इसको अरारोट का पाउडर भी कह सकते हैं। तो ये 1/2 कप लेना है, 1/2 कप लेंगे तो 3 गुना ज़्यादा पानी लेंगे हम इससे, ताकि सेवइयां हमारी बहुत अच्छी से बन जाए। इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे ताकि चीनी और ये बिल्कुल यकजान एक जैसे हो जाएं। बहुत ही आसान रेसिपी है भाई, डिलीशियस। घर में सेव बनाने कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इस तरह से देखें मैंने इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। छोटे पैंदे का एक पैन ले लेना है या कढ़ाही ले लें आप, कोई भी चीज़। इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है आपने, मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हमने इसमें शामिल कर देना है, डिजॉल्व नहीं हुई चीनी। चलो चीनी हो गई है तो अब हम इसको शामिल करते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसको तकरीबन 5 मिनट तक हम ऐसे ही इसको कुक करेंगे और मुसलसल हिलाते जाना है आपने, पास से भरे नहीं होना बिल्कुल भी, और चम्मच एक साइड पर नहीं निकालना, हिलाते जाएंगे और एकदम से ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया, इस तरह से ये एकदम से नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे रखना है इसको, आप लो फ्लेम पे इसको ऐसे ऐसे घुमाते जाना। नॉन स्टिक पैन हो तो बेस्ट है, बहुत अच्छा, हर घर में मौजूद होता है नॉन स्टिक पैन। तो उसमें अगर ये बनाएं तो बिल्कुल भी आपका बिल्कुल भी एजेस पे भी नहीं लगेगा। और आपने आप चम्मच हिलाना फास्ट कर देना है। अभी ये रेडी नहीं हुआ, हल्का सा ये अपनी सरफेस को छोड़ने लग जाएगा बिल्कुल, तो फिर ये समझो रेडी है। ये सेव मशीन है, मार्केट से इजीली अवेलेबल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना किसी भी प्लास्टिक की बोतल ले लें, उसके अंदर आप ढक्कन में सुराख करके तो ये बना सकते हैं इजीली। तो ये देखें ये सरफेस को छोड़ गया, तो अब ये रेडी है। फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने, इसको गर्म गर्म ही इसके अंदर डालेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा प्लास्टिक की बोतल को ऑयली कर लेंगे, ठीक है, बोतल को हल्का हल्का सा अंदर से ऑयली कर लेंगे। इसको अब हम इसमें बोतल में भरेंगे। इससे पहले आपने बर्फ और ये सब कुछ रेडी रखना है। एक बाउल में आपने बर्फ और चिल्ड वाटर मिक्स करना है, आइस क्यूब बर्फ डाल देनी है उसमें, जिसके अंदर हम ये सेवियां बना बना के इजीली ये इसमें आ जाएगा, जितना आएगा ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ये देखें इतना ये इसमें आ गया। अब हम इसको, ये गर्म है इसको हैंडल कर सकते हैं तो ठीक। मैंने मोटी जाली इसमें लगाई है, थोड़ी सी मोटी इसमें जाली लेंगे, पतली लगाना चाहते हैं एज यू विश, आपकी मर्जी है। ऐसे थोड़ी सी मोटी सेवइयां ही अच्छी लगती हैं। इसको ऐसे बंद कर देंगे, टाइटली बंद कर दिया मैंने। और अब हम बताते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर। क्वार्टर में हमने बर्फ रखनी है और उसके बाद से हमने इसको स्टार्ट करना है। मैं पहले कह रही हूँ वाटर चिल्ड होना चाहिए, तो उसके बाद सेव बनाना हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे इधर से, ये देखें आना स्टार्ट होगी, और घुमाते जाने और डालते जाने। देखें आप वॉच कर रहे हैं ना कितनी मज़े की अच्छी सी बन रही है, ताकि ये टूटे ना, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी से चिल्ड वाटर में डाले जा रहे हैं। ये देखें ये 15 से 20 मिनट हो गए, इनको अब हम निकाल लेंगे। ये देखें कितनी मज़े की हमारी फलूदा सेवइयां रेडी हैं। इसी रेसिपी को वॉच करते हुए आप और भी बना सकते हैं, क्वांटिटी डबल कर लें, हर चीज़ की क्वांटिटी डबल कर लें और ज़्यादा सारी बना के रख लें। हाँ जी, तो व्यूअर्स मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मैं नोटिफिकेशन दे देती हूँ ऊपर, आपने लाजमी चेक करना है कि मैंने ये फलूदा कैसे बनाया है। आगे मैं फलूदा इनसे तैयार करूँगी और फिर लाजमी देखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।